अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी सी फिंगर फिश के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। अब आपको बाजार से फिंगर फिश परचेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम सिखाएंगे आपको घर में रेस्टोरेंट स्टाइल की टेस्टी सी फिंगर फिश बनाना। आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी फिश बेस्ट रहती है फिंगर फिश के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। तो फिंगर फिश बनाने के लिए हमने यहाँ ली फिश, हमने 1 kg फिश ली और ये देख लीजिए बोनलेस है, सुरमई मछली है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हमने लिया यहाँ पे मैदा, हमने 1 kg के करीब मैदा लिया है और हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी 1 kg के करीब ही लिए हैं, यानी अगर आप कम हो जाएंगे तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिया सिरका 2-3 tablespoons, अगर आपके पास सिरका मौजूद ना हो तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, नमक ले रहे हैं हसबे जायका और लहसुन पाउडर ले रहे हैं, मस्टर्ड पेस्ट लिया और हमने लिए 2 अंडे। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लीजिए, उसके अंदर ऐड करना है, हम इसमें फिश ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिरका या लेमन जूस वट एवर यू हैव आप वो इसमें ऐड कर लीजिए, इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही हमने लिए लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर अवेलेबल हो तो आप वो ऐड कीजिए, और नमक हसबे जायका है, हमने यहाँ पे तकरीबन 1 tablespoon जो है वो यूज़ किया है। और हम यहाँ पे जो है मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर रहे हैं और लहसुन पाउडर जो है वो भी ऐड कर रहे हैं, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आप स्पून की मदद से या हाथ की मदद से, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि जितना भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो इसमें अच्छी तरह से लग जाएं। और जब ये इसमें लग जाए, अच्छा अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप इसमें स्पाइस ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जो क्वांटिटी है वो है, ये ना ही ज़्यादा स्पाइसी होता है और ना ही फीका होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। और ये देख लीजिए मिक्स हो गया, अब हम इसको रख लेंगे 1/2 hour के लिए कवर करके। और फिर दूसरी जानिब आपको दिखा देते हैं कि हमने एग्स को बीट कर लेना है अच्छे तरीके से, और हमने लिया मैदा, अब मैदे के अंदर हम ऐड करेंगे नमक, ये हमने 1 tablespoon ऐड किया, पेपरिका या आपके पास जो भी पाउडर है वो ऐड कर लीजिए, लाल मिर्च पाउडर और लहसुन पाउडर है वो ऐड कर लिए, और ये हमने अजवाइन जो है वो ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा देसी हो जाता है लेकिन ये टेस्ट के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये देख लीजिए आफ्टर हाफ एन आवर इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम चलेंगे कोटिंग की जानिब। कोटिंग हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम इस पे मैदा लगाएंगे, फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और फाइनली हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। दिखा देते हैं कि इस तरह, ये देख लीजिए हमने सबसे पहले इसके ऊपर मैदा किया डाला। अच्छा ये आप ज़रा तरीका देख लीजिए कि हमने इसको पहले गोल नहीं घुमाया बल्कि हमने पहले इस पर मैदा अपने हाथ की मदद से डाला और फिर अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैदा जो है इस पर लग सके। और ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आ गई है। अब हम इसको डिप कर रहे हैं अंडे में, और उसके बाद अंडा भी देख लीजिए अच्छे तरीके से बीट होना चाहिए, यानी इसमें वाइट और जो येलो है वो एक होना चाहिए, यकजान होना चाहिए। और अब जो दूसरा हाथ था हमारा जो साफ था उसके ज़रिए हम जो है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डाल रहे हैं, अगर आप एक ही हाथ से करेंगे तो सही ये नहीं बनेगा। और ये देख लीजिए ये हम अपने हाथ जो है उससे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स हमने डाले, और ये देखिए बिल्कुल रेडी है, कितना टेस्टी लग रहा है। अच्छा आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको बर्गर बंस के अंदर रखें तो ये बिल्कुल क्रिस्पी सा जो है ना बर्गर बन जाता है। इसके बाद आपको बताते हैं किस तरीके से। अब ये देख लीजिए 1 by 1 जो है हमने ये सारे रेडी कर लिए हैं, और अब ये बिल्कुल रेडी हैं कि आप इसको जो है वो डीप फ्राई कर लें। अच्छा इसको किया डीप फ्राई ही जाता है क्योंकि ये क्रिस्पी होते हैं, क्रंची होते हैं, इनको शैलो फ्राई नहीं किया जाता। और इनकी शेप भी आपको दिखा देते हैं। और दूसरी जानिब हमने ऑयल लिया, मछली को एक दफ़ा आप ऑयल में पका लें तो उसके बाद उसकी स्मेल रह जाती है, उसकी स्मेल को ख़त्म कैसे करते हैं इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और 1 by 1 हमने इसमें जितने भी थे वो ऐड कर लिए, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करने वरना जो है वो सही तरीके से पक नहीं सकेगा। और ये देख लीजिए
कि इसको हम थोड़ा सा पलट लेंगे आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, और जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो तब हम इसको निकालेंगे। अच्छा, इसमें फ्लेम का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी आपने पहले लो टू मीडियम रखनी है और जब ये क्रिस्पी होने लगे तब आपने थोड़ा सा हाई कर देनी है, ताकि बाहर इसकी जो है वो क्रिस्पी रहे और जो इंटरनली जो है ये सॉफ्ट रहे। अगर आप स्टार्ट में ही इसको वो करेंगे हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो पहले आपने लो टू मीडियम में पकाना है एंड देन आपने इसको जो है हाई फ्लेम पे पकाना है। तो ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं इसको पकने में, और ये देखिए बिल्कुल रेडी है, और इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार की जो फिंगर फिश है उसकी तरह का आता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।